हाय फ्रेंड्स, आज हम सरसों का साग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं 4 फुली सरसों के लिए, 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम बथुआ, इनको हमने अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धो के तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम बारीक काट के तैयार कर लेंगे। सरसों, बथुआ और पालक को इस तरीके से काट के हमने तैयार कर लिया, और हरी मिर्च और लहसुन की हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब कुकर के अंदर हम पालक, बथुआ और सरसों का साग ऐड कर दें। एक गिलास पानी ऐड कर देंगे, 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, 50 ग्राम मक्के का आटा ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर आधा गिलास पानी और ऐड करेंगे, और हम 2 सीटी लेंगे मिडल आंच के। 2 सीटी आ गई है। अब हम साग को अच्छी तरह से मथ लेंगे। इसे साग को अपने अच्छी तरह से मथ के तैयार कर लिया है। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने घी ऐड कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हम चटकने देंगे, मतलब इसको भुनने देंगे मिडल आंच में। अब इसके अंदर हम 2 चुटकी के बराबर हींग ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 टमाटर की प्योरी बनाई थी हमने, वो ऐड करेंगे, और जो हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट तक मिडल आंच में पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, मसाला हमारा भून के तैयार हो गया। अब इसको हम साग के अंदर ऐड कर देंगे। मसाले को साग में अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और 1 सीटी लेंगे मिडल आंच में। 1 सीटी आ गई, साग हमारा बन के तैयार हो गया। उसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे।